नाजली, कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें? सब कुछ ठीक तो है ना? बताओ मुझे। हाँ ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी नींद आ गई थी, सो गई। ऐसे मत देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मुझे पता है तुम ठीक हो, बहुत ही मजबूत लड़की हो। मुझे तो उस बेचारे पे अफसोस हो रहा था, बहुत ही परेशान लग रहा था। तो मैं क्या करूँ अर्जू, अभी मुझे दिन ही कितने हुए थे उससे मिले हुए कि इतनी बड़ी अंगूठी लेके मेरे सामने आ गया प्रपोज करने के लिए। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी बातें भी समझ नहीं आती। क्या मतलब? कुछ नहीं यार, कहीं औजान को जलाने के लिए ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दिए? अर्जू तुम जानती हो मैं आउट ऑफ लिमिट कोई भी काम नहीं करती हूँ। तुमने कुछ तो ऐसा किया है ना? हाँ थोड़ा बहुत तो किया होगा मैंने। उफ नाजली, हद है यार। जानबूझ के नहीं किया है मैंने। चलो मान भी लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो वो तुम्हें इतनी जल्दी प्रपोज करने क्यों आएगा? है ना, यही तो कह रही हूँ मैं। कुछ और तो नहीं हुआ था? और क्या हो सकता है, मैं ये सोच रही हूँ। अब मैं मिस वर्ल्ड तो हूँ नहीं, टेढ़ी मेढ़ी मेरी शक्ल है, पर्सनालिटी भी कोई खास नहीं, क्लमजी भी हूँ। पता नहीं मेरे साथ ही सब कुछ क्यों होता है, जबकि मॉडल जैसी तो तुम लगती हो। क्या कह रही हो, मॉडल और मैं? तुम्हें पता भी है कि वो मॉडल सारा दिन या तो जिम में रहती हैं या फिर अपने आप को संवारने के लिए किसी न किसी पार्लर में होती हैं। लेकिन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, साफ सुथरी फिजा जैसी खूबसूरत हो तुम, और बाहर की खुशबू जैसी हो तुम। तुम्हें कोई एक बार देख ले तो भूल नहीं सकता। क्या सच में ऐसा है? हाँ। अल्लाह अल्लाह, मैं एक बात पूछूंगी वैसे। तुमने कहा जब उसने अंगूठी निकाली तो वहाँ कोई और भी था, क्या कह रही थी तुम, बताओ? हाँ वो गाय थी एक। गाय? हाँ गाय, पता नहीं क्यों मुझे घूर घूर के देखे जा रही थी वो, मैं वहाँ से भाग गई। एनीवेज अब क्या करने वाली हो तुम, कुछ बताओ। पता नहीं मुझे, क्या ये सब उसी वक्त होना था जब मेरी क्रीम टेस्ट के लिए गई? क्या क्रीम टेस्ट के लिए भिजवाई गई है? हाँ। वाह सबसे अच्छी बात, तुम मुझे सबसे आखिर में बता रही हो। चलो उठो उठो, बस अब सोने जा रहे हैं। उफ बैठो खुदा के लिए थोड़ी देर। देखो नाजली, मैं उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगी, बाल नोच लूंगी तुम्हारे। में वो लड़का यहाँ तक आया, उसने तुमसे माफी मांगी, ये कहा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, भूल जाते हैं सब कुछ। सुन लिया ठीक है, तुम अभी ये सारी बातें छोड़ो, जरा मुझे सच सच बताओ, किस खुशी में आज तुम घर पे बैठी थी और काम पर नहीं गई, बताओ? अरे यार आज ऑफ डे था मेरा। हाँ छुट्टी थी मेरी आज। छुट्टी? छुट्टी वीक के एंड में नहीं होती, यहाँ यही सिस्टम है। अल्लाह अल्लाह समझ गई मैं। नाजली गाय देखी थी तुमने या वो? चुप करो। देखो तुम उस गाय को और दूसरी वाली गाय को मिक्स कर रहे हो, क्योंकि दूसरी गाय को मैंने तबेले में बंद करवा दिया है, बंद। चलो अब गुड नाइट। ठीक है मेरी जान, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। ओके मिलते हैं। जैनब, जैनब। भाई मैं यही हूँ, चीख क्यों रहे हैं? यार जैनब, वो मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा, तुमने देखा है क्या? भाई मुझे आप मुश्किल से दिखते हैं, आपका फोन कहाँ से दिखेगा? अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाया करो, लाओ फोन दो, मैं कॉल करके चेक करता हूँ। वाह मैं अपने आप को कॉल करूंगा, जाहिर है बचपना करने की तो कोई उम्र नहीं होती। मैंने कहा ना बातें मत बनाया करो प्लीज। भाई I'm sorry, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है ये। रुको एक मिनट जैनब, क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? हाँ सब ठीक है ना? मॉम क्या आपने मेरा फोन देखा है? सब ठीक तो है ना? आखिर जब से मैं आया हूँ आप दोनों यूं ही मेरे एक दो चक्कर लगाते जा रहे हैं। मॉम। खबरदार जो मॉम बोला, आखिरकार याद आ गया कि तुम्हारी माँ भी है। आप लोग वाकई अजीब हो गए हैं। जरा रुके तो अजान साहब, पहले आप यहाँ आराम से बैठे और हमसे बात करें। पहले तो आप ये बताइए
ये जो नाजली नामी लड़की है, इससे आप कब से मुलाकातें कर रहे हैं? क्या, कौन, क्या कह रहे हैं आप लोग? कैसी नाजली, कौन नाजली? हम सब कुछ जानते हैं, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम समझते हो हमारी आंखों में धूल झोंक कर ये खेल जारी रख सकोगे तुम? कबूल करें औजान साहब, इतने अरसे से आप हम लोगों के मुंह पर झूठ ही बोले जा रहे थे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। रुको, ये क्या बेवकूफी की हरकत है? एक तस्वीर क्यों दिखाई तुमने? तुम भी अव्वल दर्जे की बेवकूफ हो, कोई काम ढंग का नहीं कर सकती। तो आलिया साहिबा बस अचानक से जोश में आ गई। ये तस्वीरें कहां से आई? लाओ जरा मुझे दिखाओ। अरे बेटा, ये तो नाजली है, इन तस्वीरों में लोग भी कैसे होते हैं, हर जगह तस्वीरें खींच लेते हैं। लाओ मुझे दे दो इन्हें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तस्वीरें कहाँ से आई हैं? आप लोगों ने किया क्या है? क्या आप लोग मेरा पीछा करती रहती हैं? कहाँ से आई हैं ये तस्वीरें? अरे हम तुम्हारा पीछा क्यों करेंगे बेटा, भला तुम्हें हम ऐसे लगते हैं? अजीब बातें करते हो। मैं हमेशा तुम्हारी कॉल उठाता हूँ और तुम मेरी कॉल कभी मत उठाना। मैं बता रहा हूँ भाई, नाजली हमारे हाथ से निकल रही है। यार आरजू के साथ कुछ हो तो नहीं गया? पता नहीं, लेकिन शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। पूरा दिन ऑफिस नहीं आया, लेकिन अगर चाहता तो कांटेक्ट कर सकता था ना किसी और के फोन से। हाँ, कहीं मुराद ने तो उसके साथ कुछ नहीं कर दिया। हेलो अमरीन, मैं ठीक नहीं हूँ। अमरीन, क्या दोबारा से एलर्जी का अटैक हुआ है? ऐसा नहीं है। ये किस चीज की आवाज है? ये तो किसी के फोन बजने की आवाज आ रही है। नहीं, वो एक्चुअली खैर छोड़ो। अमरीन, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है, घर आ जाओ, यहीं बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हेलो, हेलो ओजान, एक्सक्यूज मी। वो दरअसल मैं ओजान को फोन कर रहा था। मैं अमरीन हूँ। कौन अमरीन? अरे हाँ, आप तो उसकी बॉस अमरीन है ना? ये ओजान का फोन आपके पास क्यों है? जरा ओजान को फोन दीजिए। वो कल रात मेरे घर आया था और अपना फोन भूलकर चला गया गलती से। क्या, कहाँ भूल गया वो फोन? ओजान मेरे घर आया था और मेरे ही घर फोन भूल के गया है। सच कहूँ तो मुझे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। नहीं आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ही होगा। मैं उसके बारे में मालूम करता हूँ और फिर आपको भी फोन करके बता देता हूँ। मैं समझी नहीं, बैटरी खत्म हो गई। क्या हो रहा है ये? इस औरत ने मेरे मुंह पे फोन काट दिया। देख लूंगा तुम्हें, देख लूंगा। हाँ तो बताना पसंद करेंगे आप, ये तस्वीरें यहाँ तक कैसे पहुँची? ओजान बेटा, हम लोग तो बिल्कुल मासूम हैं। ओजान साहब, मैं वाकई बता रही हूँ, हमने कुछ नहीं किया था, वो खुद हमारे दरवाजे तक आया था। क्या कहा तुमने, कौन लेकर आया था? हाँ, अब पूछा है ना तुमने सही सवाल, कौन लेकर आया था? मॉम, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। बेटा बता तो रही हूँ, दरवाजा लाया, यानी दरवाजे के नीचे से आई। लेकिन दरवाजे के नीचे से किसने दी, नाम बताएं? मैं लेकर आई थी। क्या मुझे कोई पूरी बात बताएगा आप में से? हाँ वही बता रही हूँ ना, मैं दरवाजे पे गई। नहीं नहीं, आयशा दरवाजे पे गई, नीचे देखा तो सीढ़ी पड़ी हुई थी। नहीं नहीं, तस्वीरें पड़ी हुई थी। आयशा गुल वो सब कुछ उठाकर मेरे पास ले आई बेटा, और क्या। आर यू श्योर के ऐसा ही हुआ है? हाँ हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ऐसा ही है, और कैसा हो सकता है? वो तो ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा क्यों करेगा? यार एक मिनट, तुम्हें सिर्फ ये फिक्र है कि कौन है जो ये कर रहा है, लेकिन मुझे किसी और चीज की फिक्र है बेटा। तुम उस नाजली से दोबारा क्यों मिल रहे हो ओजान? ऐसा क्यों कह रही है मॉम? सवाल करने का मेरा हक है। यहाँ सवालात आलिया साहिबा करेंगी। ये बस इत्तेफाक था, क्योंकि हम दोनों फिलहाल एक ही जगह पर काम करते हैं। बात तो हैरान कौन है, लेकिन मुझे नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे अब किसी बात से हैरत नहीं होती ओजान। जब आपको सब पता है तो हैरान क्यों होंगी? जब मैंने उसे वहां देखा तो सोचा रिजाइन कर दूं, पर नहीं कर सका। सच कह रहा हूं मैं, नहीं कर सका। आप लोगों की वजह से, जैनब की वजह से। मैंने सोचा आप लोगों का क्या होगा, और अगर जॉब चली गई तो मैं घर का खर्चा कैसे उठा सकूंगा, कैसे ख्याल रखूंगा? तो बताएं मैं क्या करता अगर मैं जॉब छोड़ देता, तो कैसे ख्याल रखता आप सब लोगों का, सोचिए जरा। खैर मैं देखता हूं दरवाजे पे इस वक्त कौन है और अब क्या आया है। तुम कौन हो भाई? भाई जरा करीब आइए।
मेहमत भाई आपका गली के कोने पे इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्दी पहुंचो। ठीक है भाई? ठीक है। क्या बात है मेहमत, क्या सही टाइम पर पहुंचे हो। शुक्र है तुम आ गए मेरे भाई, बड़ी मुसीबत से बचा लिया मुझे। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम जरा ये तस्वीरें देखो, मुझे इस बारे में तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलो कहीं और बैठकर बात करते हैं। तुम्हारा फोन कहाँ है? तुमने कॉल की थी क्या मुझे? सुबह से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा, मुझे लगता है शायद गिरा दिया कहीं। यार तुम्हारे पास कोई आइडिया तो बताओ, कहाँ हो सकता है मेरा फोन? तो तुमने गिरा दिया? शायद, पता नहीं यार। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है यार? तुम वाकई में बहुत ही घटिया इंसान हो, कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। आइंदा अगर तुमने नाजली को दुख दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है तुम्हें अब, घटिया इंसान। ऐसे रिएक्ट कौन करता है यार, सिर्फ फोन ना उठाने पे इतना गुस्सा। मैं तो डर गई, तौबा डरा दिया मुझे तो बस। ज़ैनब अपना फोन दो। ये ले। खबरदार, खबरदार जो दिया ये दोबारा उस नाजली को फोन करेगा। फोन नहीं देना। ऐसा करो तुम ये फोन मुझे दे दो। ये सब क्या हो रहा है? मॉम खामोश प्लीज, आप एक लफ्ज मत बोलिएगा। आयशा गुल तुम भी। हो क्या रहा है? जा रहा हूं मैं। कहाँ? जाओ, चले जाओ, दोबारा इस घर में मत आना। ज्यादा बोल दिया मैंने? बहुत हर्ट हुआ होगा ना वो, गलत बात हो गई ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी दोबारा उसके पास नहीं जाने दूंगी। हाय अल्लाह। अच्छा मैंने माफ कर दिया, वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ, कहीं मत जाओ। मॉम वो जा चुके हैं, आप किससे बात कर रही हैं? मुझे तो लगता है आप सबको कुछ हो गया है। अच्छा जी, जबरदस्त कैफीन फ्री कॉफी तैयार है, ये लीजिए सरदार साहब। तो जिस मीटिंग का तुम जिक्र कर रहे थे वो ये थी? तुम्हें नहीं लगता ये जल्दी हो गया? अभी मिले हुए दिन ही कितने गुजरे हैं। ये बात तुम कर रही हो? ठीक है मैंने थोड़ी सी एग्जैजरेट कर दी, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। मुझे समझ नहीं आया तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना था, उसने कहा था कि मैं उसे बहुत अच्छा लगता हूँ, बल्कि अगर मैंने उसे प्रपोज किया तो बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर देगी। तुमने उसे किससे बात करते हुए सुना? नहीं जानता मैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है जबकि नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सरदार, तुम इतना परेशान मत हुआ करो, ऐसे रिश्ते जोर जबरदस्ती से कभी नहीं बन पाते, थोड़ा वक्त दो उसे। और वाकई अगर इस तरह की बात है तो देखो, सच्ची बात है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, अच्छी है, नेचुरल है, लेकिन हम उसे नहीं जानते हैं। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं उससे कल खुद बात करती हूँ। और अगर कल वो ऑफिस ही ना आई तो? वो आएगी, ट्रस्ट मी। वो अंगूठी भी मुझसे खो गई। ओह सरदार, दूसरी ले लेंगे।